मध्य प्रदेश का उपचुनाव में क्या वर्चुअल बनाम एक्चुअल होने वाला है? दरअसल बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है, आप कांग्रेस भी मैदान में उतरने वाली है। पूर्व सीएम कमलनाथ 7 जुलाई से महाकाल के दर्शन कर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है, साथ ही उपचुनाव की तैयारियों में भी पूरी तरह से जुट गई है। कमलनाथ महाकाल के दर्शन के बाद सीधे बदनावर जाएंगे और वहां लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की तरह वर्चुअल नहीं बल्कि कांग्रेस एक्चुअल रैली करेगी। कमलनाथ जी फील्ड पे आ रहे हैं, ये वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, वो ना वर्चुअल मीटिंग करेंगे जो बीजेपी कर रही है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता एक्चुअल रैली करेंगे, एक्चुअल मीटिंग करेंगे। वहीं देखिए दूसरी तरफ अब बीजेपी का कहना है कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कभी जमीनी हकीकत नहीं देखी, तो वो अब क्या करेंगे? इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रही, जनता के बीच में नहीं गए। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है, एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें चाहे वैसे कर लें। ये कभी जब सरकार में रहे तो जनता के हित में काम नहीं किया, धोखा दिया कर्जा माफी का, बेरोजगारी भत्ते का। अब विपक्ष में आ गए तो कोई जन आंदोलन कर नहीं सकते। 100 दिन पे आंदोलन किया तो 100 आदमी पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन के स्थल पे नहीं थे, एक पे भी होने ही नहीं। सबको मालूम है कि ये धोखा दे के आए थे और इनका कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। बात सुनो, जब थे जब नहीं कर पाए तो अब क्या करें? क्या लगता है इसका फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सुना आपने, बीजेपी जिस तरीके से कह रही कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कभी जमीनी हकीकत नहीं देखी, तो अब वो क्या करेंगे? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी करिश्मा जी, सैयद जी, कल जिस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि कल इसका आगाज होगा, हम ये कहें कांग्रेस अपनी तरफ से जमीन पे उतरेगी और कांग्रेस का ये कहना कि हम फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यहाँ पे ये कहना कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कभी जमीनी हकीकत नहीं देखी, तो अब वो क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत उनको खुद को इस बात का ज्ञात नहीं है। 15 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर किसान जो है वो आत्महत्याएं लगातार कर रहा था। कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी जिन्होंने आकर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। ये जो वृद्धा पेंशन जो जिनको ये 300 रुपए दिया करते थे, ये कमलनाथ जी की सरकार थी जिन्होंने 600 रुपए कर दिया। तो जो इस प्रकार की योजनाएं कमलनाथ जी ने लेकर आई थी, ये पूरी तरीके से जनता से जुड़ी हुई योजना थी और जमीन की योजना थी। ये बात अलग है कि जिस प्रकार से इन्होंने कार्यालयों में बैठकर, ऑफिस में बैठकर कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, जिस प्रकार से विधायकों को खरीदा, वो कांग्रेस पार्टी से चूक हो गई और कांग्रेस पार्टी उसमें माहिर नहीं है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। जी सैयद जी, लेकिन हमने ये देखा कि बीजेपी की तरफ से कई वर्चुअल रैलियां अभी की जा चुकी हैं जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ भी वो सीधे जुड़े और जनता के साथ भी। क्या आपको नहीं लगता कि अब जो आपकी अब स्ट्रैटेजी है कि हम जमीन पे फील्ड पे काम करेंगे और ये जो रैली होगी वो वर्चुअल बनाम अब एक्चुअल है, तो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए वर्चुअल रैली की आवश्यकता आज वर्तमान में इसलिए पड़ेगी क्योंकि 3 महीने से कोरोना था। 3 महीने के अंदर हम 50 लोग, 30 लोग, 40 लोग की अनुमति थी विभिन्न कार्यक्रमों में जाने की लेकर, तो हो सकता है कि उस वक्त वर्चुअल रैली की आवश्यकता पड़ी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वक्त आने पर चर्चाएं भी की है। ये बात अलग है कि उसका प्रोपेगंडा नहीं किया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, उसको ऑनलाइन नहीं किया, ये एक अलग बात है। रही बात जो कमलनाथ जी का बदनावर में दौरा है, वो जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो एक पार्ट ऑफ इलेक्शन है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना कोई हो अल्लाह मचाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि एक्चुअल और वर्चुअल, ये अपनी अपनी जगह समय समय पर दोनों का उपयोग होगा और दोनों पार्टी यानी कि ये माने कि कांग्रेस भी वर्चुअल रैली का सहारा लेगी। संक्षिप्त में जानूंगी सर, आशीष अग्रवाल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने आपसे यही कहा कि तो चुनाव के पार्ट है। देखिए मैं इसको ये कहूं कि आज बीजेपी अगर वर्चुअल रैली कर रही है तो वो गलत कह रही है, कांग्रेस करेगी अच्छा, ऐसा नहीं है। सबको अपनी अपनी पार्टियों की जरूरत है, जब इस प्रकार की जरूरत होगी दोनों पार्टियां उसका उपयोग करेंगी। जी
जी चलिए, आशीष अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका। कल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि पूर्व सीएम कमलनाथ महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद बदनावर से अभियान की शुरुआत होगी और उस अभियान का नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ अभियान। और कांग्रेस का ये कहना है कि हम फील्ड पे काम करेंगे, जमीनी हकीकत हम जानेंगे और सीधे हम जनता से वैसे जुड़ेंगे। डॉक्टर भाई की बातें सुन रहा था और पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि कोरोना के संकट काल में जहाँ हम वर्चुअल चीज को आजकल प्रमोट करना ही होगा, जो आवश्यक है और न्यू नॉर्मल है, उसके साथ जब हम उपचुनावों की घोषणा होगी तो हमें एक्चुअल पे भी उतरना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस का निर्णय है कि वो एक्चुअल पे जा रहे हैं, हमारा निर्णय हम वर्चुअल पे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्चुअल हम सिर्फ उन जगहों पर नहीं कर रहे हैं जहां पर चुनाव है। अगर आप देखेंगे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगभग हर उस जगह पे बात कर रहा है जहां पर चुनाव नहीं पर भी है। कल जो सेवा पर्व हम लोगों ने परसों जो मनाया था जी, तो उसको तो मतलब लगभग वो उन राज्यों ने प्रेजेंटेशन दिया जहां पर चुनाव भी नहीं है। तो हमारा अपने कार्यकर्ता से जनसंपर्क करने का एक माध्यम है जिसमें हम अपने कार्यकर्ता से भी बात कर रहे हैं और जनता तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की कल जो रैली शुरू हो रही है, मेरी उनको शुभकामनाएं, परंतु वो जो नाम है लोकतंत्र बचाओ उस पर मेरी आपत्ति है। लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि अचानक से कांग्रेस कभी भी उसको बचाने की एक मुहिम छेड़ देती है, और खासकर वो कांग्रेस जिसने लोकतंत्र पे जितने प्रहार किए वो आजाद भारत में किसी ने नहीं किए। चाहे हम आपातकाल की बात करें, चाहे चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, तो कांग्रेस सकारात्मक अगर रणनीति से जाएगी तो शायद जनता के बीच बेहतर अपनी एक पकड़ बना पाएगी। अगर कांग्रेस चुनावों की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस को तीन प्रश्नों का उत्तर जरूर आपस में खोजना चाहिए। सबसे पहले कि वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करेगी, वो मजबूत प्रत्याशी ढूंढने के लिए क्या करेगी, और कांग्रेस का जो 15 माह का कुशासन का कलंक है, वादा खिलाफी का कलंक है, उसको कैसे दूर करेगी। अगर संक्षिप्त में इन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कांग्रेस कोई भी प्रयास करती है तो वो खाना फूटती है। जी, मैं आशीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को तीनों चीजों का सवाल का जवाब देना चाहिए और वो देगी भी। लेकिन जो लोकतंत्र बचाओ रैली हम का आयोजन कर रहे हैं या ये इस मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं, ये करिश्मा इसलिए जरूरी है। और ये बात देखिए, जो कल एक तुलसी सिलावट जी की सभा में एक आम महिला ने जिस प्रकार के सवाल किए कि क्यों सरकार गिराई गई, तो ये देखिए ये आम चुनाव नहीं है, ये कोई मध्यवर्ती चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। और उपचुनाव एक जगह नहीं है, 22 जगह है जिनकी जो कि विधायकों के इस्तीफे देने के कारण हुए हैं। तो सवाल ये है कि चुनाव का पहला मुद्दा यही होगा और कांग्रेस पार्टी का तो यही पहला मुद्दा होगा कि उपचुनाव की आवश्यकता क्यों होगी, और आवश्यकता इसलिए पड़ी, उसके कई कारण होंगे जो कांग्रेस पार्टी गिनाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि 15 महीने में किए गए काम को कांग्रेस गिनाएगी, वहीं बीजेपी 15 महीने की नाकामियां यहां पे गिनाएगी। यानी उपचुनाव की जंग जिस तरीके से हम कह रहे हैं वर्चुअल बनाम एक्चुअल अब होगी। अब देखने वाली बात होगी कल किस तरीके से सियासी पारा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, इसी बीच भोपाल से खबर जहां बीजेपी की वर्चुअल रैली में गुना सांसद को नहीं बुलाया गया। प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल रैली हो रही है, मुंगावली की जनता को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। गुना अशोकनगर सांसद हैं केपी यादव। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली में गुना सांसद केपी यादव को नहीं बुलाया गया, प्रदेश कार्यालय से ये वर्चुअल रैली हो रही है, दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। मुंगावली की जनता को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित करेंगे और इस दौरान दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। तो प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल रैली हो रही है। तो गुना अशोकनगर सांसद हैं केपी यादव, बीजेपी की वर्चुअल रैली में गुना सांसद को नहीं बुलाया गया, प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल रैली हो रही है, मुंगावली की जनता को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो बीजेपी अब वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर यह उपचुनाव होना है, ऐसे में दोनों ही दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, राजधानी भोपाल से खबर है कि बीजेपी की वर्चुअल रैली में गुना सांसद को ही नहीं बुलाया गया, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। मुंगावली की जनता को संबोधित
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आपसे कुछ ही देर में करेंगे और दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे।